हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं खुदा का शुक्र हूँ, मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैंने सिलाई का भी काम जानती हूँ, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सिलाई के बच्चों के कपड़े वगैरह जो सिलाई की हैं ज़रूर दिखाऊँगी। और आज मैं आप लोगों को बच्चों की मैंने फ़्रॉकें सिलाई की ही हैं, मैंने अपने ख़ुद भी कपड़े सिलाई वगैरह किए हैं, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको सिर्फ बच्चों की फ़्रॉकें दिखाऊंगी, क्योंकि जितना टाइम मेरे से होगा मैं उतनी चीज़ें आपको दिखा सकूंगी। और ये फ़्रॉकें मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखें बड़ी। और बच्चों ने वो जो फ़्रॉकें हैं ना, टिकटॉकें भी बनाई हुई हैं बच्चों ने, मेरी छोटी बच्चियाँ जो है उन्होंने भी, मेरे लड़के ने भी, तो वो भी मैं आपको टिकटॉकें भी आपको दिखाया करूँगी बच्चों की। तो आज मैं आपको सबसे पहले फ़्रॉकें दिखाती हूँ और आप लोग देखना, और आप लोगों देख कर बताना मुझे कि आप लोगों को फ़्रॉकें कैसी लगी हैं। और आप लोगों का मैं फ़्रॉकें दिखाती हूँ, ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखिए, ये फ़्रॉकें हैं, ये मेरी बड़ी लड़की की फ़्रॉकें हैं। अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाई हुई है मैंने, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये अम्ब्रेला, इसका फ्लावर जो है ये देखिए कितना बड़ा है। ये देखिए, ये मैंने खुद ही स्टिच की है, आप देख सकते हैं कि मैंने। ये देखिए, ये भी फ्रॉक बड़ी ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको काट के भी दिखा दूँगी कि आप देख सकते हैं। ये इसको मैंने फ्रिल लगा के, ये रिबन लगा के, तो ये मैंने सिलाई किया हुआ। ये इसके अंदर कपड़ा वगैरह भी लगा हुआ नीचे, क्योंकि ये बड़ी कपड़ा है। तो पीछे से भी अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये भी आप देखिए। ये देखिए, और ये भी आपको मैं दिखाती हूँ, घाघरा और चोली है। ये देखिए, ये छोटी की हैं जो अंजलि की, अंजलि है ना, ये अंजलि की घाघरा चोली है। इसकी मैं चोली भी आपको अभी दिखाती हूँ। ये बड़ी वाली की है, ये छोटी वाली की है। ये देखिए, और इनकी इसकी चोली जो है ना नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, वो मैंने रखी हुई। ये देखिए, ये देखिए ज़रा, ये टीना की है, इसका घाघरा ये है टीना का। इसकी ये शर्टें, दोनों की शर्टें भी मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये शर्टें आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये खुद ही मैंने लेस वगैरह, ये मेरी है, वो अंजलि की है। ये वो जो लास्टिक वाला रिबन होता है वो लगा के, इसको मैंने ये चोंटे वगैरह इसकी डाली हुई हैं, उनके फ्रिल वाले बाजू बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को अगर मेरी सिलाई पसंद आई हो तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, और मैं आप लोगों को सिलाई करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी कमर में ज़रा दर्द है, दर्द की वजह से भी मैं मशीन पे नहीं बैठ रही, इसलिए मैं अभी सिर्फ ये बनी जो फ्रॉकें हैं, ये शादी पे मैंने बनाई थी इनकी, और इनके घाघरा भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इनके ये घाघरे हैं, देखिए ये इनके हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बड़ी वाली के हैं, टीना के हैं ये। ये देखिए, ये वाला इसके साथ है ये वाला, और अंजलि का जो है अंजलि के साथ ये है। इनके मैं सेम कपड़े एक जैसे बनाती हूँ, क्योंकि ये दोनों ट्विंस लगती हैं, इनकी शक्लें आपस में मिलती है दोनों बहनों की, इसलिए मैं अक्सर इनके ना कपड़े वगैरह ना सेम बनाती हूँ। आप देख सकते हैं इनके कपड़े सेम हैं, देखें। और अंजलि की ये फ्रॉक है, ये देखें, ये भी मैंने खुद बनाई हुई है अंजलि की फ्रॉक, आप देख सकते हैं। ये देखें अंजलि की फ्रॉक, अंजलि के काफ़ी कपड़े हैं। अभी मैं आज आप लोगों को सिर्फ इतनी फ्रॉकें दिखाऊंगी, और ऊपर से मैं अभी उतार के इनकी बैक भी दिखाती हूँ कि इनकी बैक कैसे बनी है। अभी अभी मैं उतार के तो बैक दिखाती हूँ, कितना बड़ा इसका फ्लावर है, ये देख सकते हैं। ये देखें कितनी बड़ी, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, इसके ऊपर इसकी फ्रिलें वगैरह पर इतनी मेहनत हुई है ना। ये देखें, और टीना इसमें बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है टीना को ये वाली। और इसकी बैक आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी बैक है ये, देखिए इसके बाजू जो है ये, तो ये अम्ब्रेला बाजू बनाए हुए हैं इसके, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये फ्रॉक बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, और आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि आप लोगों को ये फ्रॉकें कैसी लगी। इसकी भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीछे से बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आगे से ये ज़रा देख सकते हैं आप भी, आगे से ये फ्रॉक वगैरह। और ये भी दिखाती हूँ, ये तीनों फ्रॉकें जो है ना टीना की हैं, और प्लाजो भी मेरे बच्चों के लिए बनाए हुए हैं। प्लाजो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, और जब मैं सिलाई भी करूँगी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि इसकी सिलाई वगैरह कैसे करते हैं। इसका गला बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, ये देखिए इसके ऊपर मैंने लेस वगैरह लगा के, ये देखिए इसका गला, ज़रा बहुत अच्छा बना हुआ है इसका गला।
और इस पर मैंने जिप लगाई, ये दूसरे वाले पे भी एक जिप लगाई, इसके भी अमरीला बाजू हैं। टीना को ऐसी फ्रॉकें बहुत पसंद हैं, इसलिए वो मुझे अक्सर बोलती हैं कि मामा आ मेरे लिए अमरीला फ्रॉकें बनाया करें। अभी मेरे पास आजकल मैं बना नहीं रही क्योंकि मैं ज़रा दर्द हो रही है कमर में, इसलिए मैं नहीं बना रही। आगे मैं जब ठीक होंगी आप लोगों को ज़रूर बना तो दिखाऊँगी। क्या देख सकते हैं, ये भी मैंने टीना के लिए तैयार की थी। ये देखिए, ये मैंने खुद ही तैयार की हुई है। ये बाजू वगैरह भी, ये सब कुछ ऊपर आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइनिंग वगैरह भी मैंने खुद की। ये बनारसी कपड़ा है, तो बनारसी कपड़ों का मैंने डिज़ाइनिंग किया हुआ है। ये कलर डिफरेंट है और ये ग्रीन वाला है, ये लाइट ग्रीन है। ये देखिए ज़रा, ये कितनी ज़बरदस्त फ्रॉक है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसके अभी डिज़ाइन देखें आप, ये नीचे भी लगा हुआ कपड़ा, ये ऊपर लगा हुआ कपड़ा, नीचे भी लाइट लगी है जी। ये डबल है, इसके अंदर भी मैंने कपड़ा लगाया ताकि बच्चों को अंदर से काटे ना। ये देख सकते हैं आप लोग, अक्सर बच्चों को होता है कि अंदर से चुभते हैं कपड़े वगैरह, कहते हैं मामा ये मुझे चुभ रहा है अंदर से। ये देखिए ज़रा, क्योंकि बच्चों को जब कपड़ा अंदर से काटता है तो फिर बच्चे वगैरह ना पहनते ही नहीं है, इसलिए मैं फिर अंदर कपड़ा लगा देती हूँ। ये देखिए, ये टीना की फ्रॉक है, और ये देखें, ये मैंने अंजलि के लिए फ़्रॉक तैयार की हुई है। इसका भी आप डिज़ाइन देख सकते हैं, ये भी अम्ब्रेला की तरह ही है, लेकिन इस पर मैंने फ्रिल लगाई हुई है। इसके अम्ब्रेला बाजू हैं, ये देख सकते हैं, ये अंजलि की फ़्रॉकें हैं। ये आप देखिए ज़रा, बहुत अच्छी लगती हैं जब ये पहनती हैं। तो आप लोगों ने भी मुझे ज़रूर बताना है कि मैंने सिलाई कैसी की हुई है। मैं अपने कपड़े भी खुद ही सिलाई करती हूँ। ये देखिए, ये भी फ़्रॉक बड़ी अच्छी है, ये भी देख सकते हैं, ये फ्रिले लगा के मैंने, ये देख सकते हैं पीस लगा लगा के मैंने ये फ्रॉक तैयार की हुई है। ये भी अम्ब्रेला है, इसके भी अंदर कपड़ा, मैं बैग भी दिखाओ, और ये बैग है इसकी, ये देखें, ये अंजलि की है, छोटी वाली जो मेरी बेटी है ना उसकी फ्रॉकें हैं ये वाली। अभी आगे जो फर्स्ट में मैंने आपको दिखाई वो टीना की फ्रॉकें हैं, ये अंजलि के लिए फ्रॉकें मैंने तैयार की हुई हैं। और ये भी देखें, ये भी अंजलि की फ्रॉक है, ये भी मैंने इसी तरह तैयार की हुई है अंजलि की फ्रॉक। जब ये शादी वगैरह कोई फंक्शन होता है तो उस वक्त ये पहनती हैं ये फ्रॉकें। ये आप देख सकते हैं, अंजलि को बहुत ज़्यादा चुभते हैं अंदर से। मुझे अक्सर, मैं उनके कपड़े बनाती हूँ तो वो कहती है मामा मैंने नहीं पहने ऐसे कपड़े, क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल कपड़े पहनना पसंद करती है। लेकिन शादियों पे तो आपको पता ही है कि बच्चियों को ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं उसके कपड़ों में अक्सर ना अंदर से कपड़ा लगा देती हूँ ताकि इसे चुभे वगैरह ना, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चुभती हैं चीज़ें। और ये भी अंजलि के लिए मैंने, ये सिंपल है, ये वो बहुत शौक से पहनती है क्योंकि ये जो कपड़ा है बहुत नरम है, सॉफ्ट है। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत सॉफ्ट है। इसके ऊपर भी मैंने बहुत ज़बरदस्त लैस, ये देखे, ये जब पहनती है बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है अंजलि इस पर। ये देखे, इसके भी मैंने अम्ब्रेला बाजू बनाए हुए हैं। इसकी बैक ये है, इसका गला मैंने ये पाइपिंग ये लगाया हुआ, रिबन वगैरह गले पर, ये लेस वगैरह लगाई, ये रिबन है इसके साथ ही, ये आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि अंजलि की फ़्रॉकें, टीना की फ़्रॉकें। अभी मैं आपको इनके प्लाज़ो भी दिखाती हूँ, आज ही दिखा देती हूँ क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं होता आप लोगों को, क्योंकि मैंने और भी काम काफ़ी करने थे घर में, सारे काम मैंने ही करने होते हैं, बच्चियाँ भी छोटी हैं जाती हैं। ये देखिए चोली घाघरा, अभी प्रेस नहीं हुआ है ना इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। नहीं, इसकी घाघरा बड़ा है, अभी अंदर किया हुआ ना, ये आपको शॉर्ट लग रहा है। लेकिन ये देखें, ये इसकी शर्ट है, ये इसका घाघरा, इसका भी देखें काफ़ी बड़ा घेर है, ये देख सकते हैं आप। इसको मैं नीचे करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इसकी शर्ट है, ये देखें, इसकी बैक है, ये देखें, ये इसकी शर्ट है, इसका घाघरा ये है, ये देखें, ये वाला इसका घाघरा। तो इसका दुपट्टा भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसके साथ मैंने दुपट्टा भी किया है अंजलि का। ये देखें, ये सेम इसका दुपट्टा भी इसके साथ मैंने किया, ये आप देख सकते हैं, ये दुपट्टा है इसका। वो कहती है कि हर चोट के साथ मेरा दुपट्टा बनाया करो। हाँ, उसे दुपट्टे पसंद ना है। ये देखें, जब पहन लेती इसके घाघरे के साथ सेम मैंने किया हुआ, ये देखें जरा, ये इसका दुपट्टा है, ये आप देख सकते हैं इसका दुपट्टा, ये पूरा ड्रेस है इसका, ये चोली घाघरा है, ये देखें। तो ये भी इसका मैं आपको प्लाजो दिखाती हूँ, ये प्लाजो है इसका, ये शर्ट वगैरह, ये सारे कपड़े मैंने सिलाई किए हैं इनके। जब कभी कोई शादी वगैरह कोई फंक्शन आ जाता है तो इनको पहनाती हूँ। ये देखें, इसका ये है, ये शर्ट है इसकी, देख सकती हैं आप, ये इसका प्लाजो है, ये देखें, ये मैंने प्लाजो बनाई है, ये आप देख सकते हैं।
ये इनके साथ मैंने प्लाजो बनाए हैं। तो ये भी प्लाजो है, आप लोगों को मैं इसकी कटिंग भी सिखाऊंगी, प्लाजो की कटिंग करके सिलाई करके भी दिखाऊंगी कि प्लाजो कैसे बनते हैं। ये देखें, ये टीना का घाघरा, ये देखें ये वाला, ये टीना का। इसकी शर्ट अभी मुझे नहीं मिल रही क्योंकि अभी इसकी शर्ट, इसकी सेम शर्ट जो है ना येलो रंग की, उसके ऊपर काम हुआ है, सारे वो शीशे वगैरह लगे हुए हैं, अभी मुझे नहीं मिल रहे। जो मिल रहे हैं वो आपको दिखा रही हूँ कि जो जो मैंने सिलाई की हुई है, ये आप देख सकते हैं। नहीं, अभी मैंने आपको ये टीना की झोली दिखाई थी ना, ये देखे, ये जो इसके साथ ये शर्ट है आप देख सकते हैं, ये शर्ट घाघरे के साथ, ये शर्ट है इसकी, ये इसकी शर्ट है, ये घाघरा है नीचे, और इसका दुपट्टा ये वाला है, ये मैंने खुद ही तैयार किए हुए हैं। ये ऊपर जो मैंने लगाए हुए शीशे वगैरह, ये भी मैंने खुद तैयार किए हैं, ये सारी मैंने खुद तैयार की हुई हैं। ये चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हैं ना, इनकी चीज़ें वगैरह, ये सारी लेस वगैरह, ये सारी मैंने खुद, और ये दुपट्टा आप देख सकते हैं इसके साथ, ये दुपट्टा इसके साथ मैंने किया। ये टीना का है, अक्सर ये मेहंदी वगैरह को ये होता फंक्शन, उस पर यह टीना पहनती है, ये टीना का ये वाला। ये चोली देखी ना इसकी, ये बड़ी ज़बरदस्त चोली बनी हुई है, ये इसकी शर्ट है, ये मेरा, और ये अंजलि का है। तो ये अंजलि का देखें, ये अंजलि का डबल शर्ट वाली कमीज मैंने बनाई हुई है, ये देखें डबल है। इसके नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, इसके नीचे मैंने ये कपड़ा लगाया हुआ है, ये डबल शर्ट है, ये नीचे लग गया है, तो जैसी लाइनिंग होती है, लेकिन लाइनिंग को मैंने साथ में नहीं लगाया, ये लग गया ऊपर से, लाइनिंग नीचे अलग सी है। और ये इसकी बैक है, ये इसकी फ्रंट है, ये देख सकते हैं आप। और कलर वगैरह आप देखें कितने खूबसूरत है, ज़बरदस्त कलर है इनके, ये बड़ी अच्छी लगती हैं जब ये पहनती हैं, ज़बरदस्त है इनके। ये अभी आपको मैंने ग्रीन वाला दिखाया था ना, ये वाला, ये अंजलि का, तो मैंने सेम इनके ना डिज़ाइन एक जैसे बनाए हुए हैं। ये देखें, ये टीना का, अंजलि का ये वाला जो अभी आपको मैंने दिखाया, ये वाला, और ये टीना का है, इसका भी मैंने वैसे ही बनाया हुआ है, इसका भी ट्रोज़र है साथ में जैसे अंजलि का था, इसको साथ में दुपट्टा भी किया हुआ है, क्योंकि टीना दुपट्टा वगैरह उसको मैं दे देती हूँ, बढ़िया है। ये देखिए इसका गला मैंने कितना अच्छा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका गला, और इसकी बैग देखें, ये सिंपल है, ये सारी इसके साथ भी ट्रोज़र है, दुपट्टा है, इसके साथ भी लाइनिंग लगी हुई है, ये देखें साथ में लाइनिंग नहीं है, लेकिन नीचे से मैंने कपड़ा किया हुआ है, साथ में लगाई हुई शमीज वगैरह, ये देखें जी, ये सारे कपड़े मेरे बनाए हुए हैं। ये भी देखिए, ये अंजलि का मैंने बनाया हुआ है, ये डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, इसके साथ ये प्लाजो है, गरारा बना हुआ प्लाजो टाइप, ये देखिए गरारा इसके साथ प्लाजो है, मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये इसकी शर्ट, इसकी नीचे की लाइनिंग मुझे नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये दिखा सकती हूँ। और ये इसकी, इसका प्लाजो है, ये देखिए ये इसका प्लाजो है, ये देखिए ये इसका प्लाजो है, और ये सेम एक जैसे है, अंजलि का और टीना का सेम एक जैसा है, ये देखिए ये टीना का, ये वाला टीना का भी साथ में प्लाजो, टीना का प्लाजो ये है, ये देखें ये शर्ट आप पहले देख ले, ये देखें इसकी लाइनिंग मिल गई है, इसके नीचे है लाइनिंग, और इसका प्लाजो ये टीना का प्लाजो ये है, ये वाला देख से, ये इसका प्लाजो। आप लोगों का अगर कपड़े पसंद आए तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि अगर नहीं भी आए तो वो भी बताना है मुझे, ताकि मुझे पता के भी मेरे कपड़े कैसे आप लोगों के लगे हैं, अच्छे लगे हैं या बुरे लगे हैं। लेकिन उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को अच्छे लगेंगे, क्योंकि इन कपड़ों पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, बहुत ज़्यादा की हुई है। तो अब तो मुझसे सिलाई वगैरह अब मैं बहुत कम कर रही हूँ, कि मैंने शादी पे, मेरे देवर की शादी हुई थी उस वक्त मैंने ये सिलाई वगैरह की है, कुछ मेरी भांजियों की शादी हुई उन पर मैंने ये उनको कपड़े पहनाए थे। आप लोगों की इनकी टिकटॉक के भी दिखाऊँगी मैं इन्होंने कपड़े ये पहने हुए हैं, आप लोग ज़रूर देखना जी। सॉरी, माफ़ करना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे ही लगा के आखिर में आपको दिखा रही हूँ, आप लोगों को मैंने स्टार्ट में दिखाई है ये सारे चीज़ें, कपड़े वगैरह, ये अंजलि के, ये सारे टीना अंजलि के हैं, फ्रॉकें वगैरह आपको मैंने आकर भी दिखाई हैं। मेरे पास घर में इतनी जगह नहीं है,
जहाँ पे मैं लटका के आप लोगों को दिखाती, लेकिन आप लोगों को मैंने वैसे दिखाए हैं। आप लोग देखकर और मुझे बताना कि आप लोगों को ये कपड़े कैसे लगे हैं। वो देख सकते हैं ये अंजलि टीना की फ़्रॉकें हैं। इन फ़्रॉकों पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। तो अब मैं आजकल कपड़े वगैरह सिलाई नहीं कर रही, क्योंकि आजकल मुझे दर्द हो रही है कमर में। जब मेरी कमर ठीक होगी आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कपड़े वगैरह सिलाई करना भी, कटिंग करना भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरी फ़्रॉकें आपको कैसी लगी हैं। ये टीना की है, ये पिंक वाली जो है अंजलि की है, ये भी टीना की है, वो भी टीना की है। ये सारे कपड़े इनके, अब इनके बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। ये मैंने चंद कपड़े आपको दिखाए हैं इनके, इतने ज़्यादा इनके मैंने कपड़े सिलाई किए हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को क्या क्या इनका दिखाऊँ। और माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती होगी। आप लोग कहते होंगे कि मैंने कैसे कपड़े फैलाए हुए हैं घर में, तो मुझे मेरी बेटी कह रही मामा वो लोग कहेंगे ये तो लंडा बाज़ार खुला हुआ है। मैंने कहा कोई बात है, मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन माफ़ करना। लेकिन आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरे कपड़े आपको कैसे लगे हैं। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और आप लोग मुझे ज़रूर प्यार वगैरह दें, ताकि आप लोग प्यार देंगे तो मैं आगे बढ़ सकूंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ होंगे, मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे। और प्लीज़ हम, हाँ जी, कैसे लगे मुझे आपको मेरे कपड़े? आप लोगों ने देखे हैं अंजलि टीना की फ़्रॉकें, और आपको पसंद आई हैं तो मुझे ज़रूर बताना, कि अगर नहीं भी पसंद है तो फिर भी बताना। और मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर और लाइक बटन को दबाएं, ताकि आप लोगों का प्यार मुझे मिल सके। और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगी, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें। अभी आप लोगों के कमेंट भी करें, कमेंट भी करें मुझे। और मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूं, अगर मुझसे कोई गलती होगी बोलने में या दिखाने में तो आप ज़रूर मुझे माफ़ करना, क्योंकि अभी मैं न्यू मैंने चैनल खोला है। मुझे अभी पता नहीं कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की खातिर बोलती हूँ। तो मैं कहती कोई बात नहीं, अब मुझे अगर मैं गलत भी बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ करना, सॉरी। तो आप लोगों से अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।